हर घर तिरंगा अभियान में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर दिया हिस्सा। आज गणपति प्लाईवुड फैक्ट्री में रेनू अग्रवाल ने महिलाओं को तिरंगा झंडा वितरण कर हर घर पर तिरंगा झंडा लगाने की अपील की। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा झंडा अभियान को लेकर आज गणपति प्लाईवुड फैक्ट्री में महिलाओं को झंडा वितरण किया गया। सभी लोगों से अपील की गई कि हर घर झंडा अभियान के तहत हर घर पर एक तिरंगा झंडा लहराना जरूरी है। सभी लोग इस अभियान से जुड़े और हर घर तिरंगा झंडा लगाने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। जनपद रामपुर सिवलाइन स्थित गणपति प्लाईवुड फैक्ट्री में फैक्ट्री के डायरेक्टर अश्वनी अग्रवाल ने आज अपनी पत्नी रेनू अग्रवाल के साथ फैक्ट्री में काम कर रही महिलाओं और पुरुषों को झंडा वितरण किया। उन्होंने सभी अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं पुरुषों से अपील की कि सभी लोग हर घर तिरंगा झंडा अभियान से जुड़े और हर घर पर तिरंगा झंडा जरूर लगाएं। इस बार हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर किया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल पूरा हिंदुस्तान 75वां अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। ये एक उत्सव के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो इस इतिहास के पन्नों पर रचने वाला है 15 अगस्त का दिन, उसमें हम सब शामिल हो रहे हैं। आज हमने अपनी फैक्ट्री में गणपति प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड रामपुर में आज पत्नी के साथ में जो महिलाएं हमारे यहाँ काम कर रही हैं उनको हमने ध्वज वितरण किया है, और जितने भी लोग स्टाफ काम कर रहे हैं सबको हम एक एक ध्वज वितरण करेंगे, और उनसे हम कह रहे हैं कि अपने घर पे आके एक ध्वज लगाएं और इस इतिहास में अपना भी एक नाम लिखाएं। आज 75वां दिवस होगा हमारा इस बार 15 अगस्त को, तो ये है कि सबको झंडा वितरण किया गया है ताकि सारी महिलाएं अपने घर में इस झंडे को लगाएं, झंडे के महत्व को समझें। देखिए, ये आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया है कि हर घर पे तिरंगा फहरना चाहिए, क्योंकि तिरंगा वीरों की शान है और जिन अपने वीरों ने फांसी के फंदे पे झूले हैं और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और इस देश को आज़ाद कराने में तिरंगा लेके काम किया, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के एक बहुत बड़ा फैसला लेने की हर घर पे एक तिरंगे की शान की तरह तिरंगा झूमना चाहिए, ये निर्णय लिया। और हाँ, उस निर्णय से हर व्यक्ति उत्साहित है और हर व्यक्ति अपने घर पे तिरंगा फहराने का काम कर रहा है।